अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑल चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में सबसे पहले आ जाता है एंटीमेंट्स। इसकी डेफिनेशन है, एंटीमेंट आर सॉफ्ट एंड ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। इनके सॉफ्ट होती हैं और ग्रीसी सेमी सॉलिड होती हैं। इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, इनके स्किन के ऊपर या किसी भी जेल के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है। टाइप्स ऑफ एंटीमेंट्स, इसकी टाइप्स है मेडिकेटेड एंटीमेंट्स हो गया, नॉन मेडिकेटेड एंटीमेंट। मेडिकेटेड एंटीमेंट कंटेन अ मेडिसिन डिसॉल्व सस्पेंड और इमल्सिफाइड इन द बेस। नॉन मेडिकेटेड है एज यूज व्हीकल फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड एंटीमेंट्स आर कैन बी यूज फॉर देयर एमोलियंट एंड प्रोटेक्टिव एक्शन टू द स्किन, उनके स्किन को भी प्रोटेक्ट करती है। नीचे आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमेंट बेसिस, यानी कि इसकी तकसीम। नंबर वन पे ओलिजिनियस बेसिस, दीज बेसिस कंसिस्ट ऑफ वाटर। ये वाटर कंसिस्ट करता है इनसोल्युबल हाइड्रोफोबिक ऑयल्स एंड फैट्स। फैट्स और ऑयल कंटेन करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोलेटम सॉफ्ट पैराफिन हो गया, लिक्विड पैराफिन हो गया, लिक्विड पेट्रोलेटम और वाइट मिनरल ऑयल वगैरह हो गया। दीज बेसिस आर ग्रीसी एंड डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम स्किन, यानी कि स्किन से बहुत आसानी से रिमूव हो जाते हैं। दे प्रिवेंट ड्रेनिंग ऑन ओजिंग एरियाज एंड एवापोरेशन ऑफ कोटेनियस सिक्रीशन। नंबर टू पे आ जाता है एब्सॉर्प्शन बेसिस, द टर्म एब्सॉर्प्शन इज यूज टू शो द हाइड्रोफिलिक करैक्टर्स ऑफ द बेसिस। इनके हाइड्रोफिलिक करैक्टर्स इसके अंदर होते हैं। दे एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में जो है पानी को जज्ब करता है। बट स्टिल रिटेन देयर एंटीमेंट लाइक कॉन्स्टेंसी। वॉल फैट हो गया ऑब्टेन फ्रॉम वॉल ऑफ शेप हाइड्रो वॉल फैट लानोलेन हो गया। बी वैक्स इज इट ऑब्टेन फ्रॉम हनी कॉम्ब ऑफ बीज, यानी कि बी वैक्स वगैरह इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नंबर थ्री पे आ जाता है इम्यूलसन बेसिस, दीज आर सेमी सॉलिड इम्यूलसन, ये भी सेमी सॉलिड होते हैं। दीज आर टू टाइप्स, इसकी दो टाइप्स है WO and OW. These additional amount of water can be incorporated in both the types. These bases contain both water soluble and water insoluble component. They have emulsifiers and because of their surface active property may facilitate contact between medicament and skin. स्किन वगैरह पर अप्लाई किया जाए। हाइड्रोफिलिक एंटीमेंट हो गया, रोज वाटर एंटीमेंट, कंडीशनिंग क्रीम्स वगैरह इसके अंदर ऐड होती है। नंबर फोर पे है वाटर सोलेबल बेसिस, दीज कंटेन ओनली द वाटर सोलेबल इंग्रेडिएंट्स बट नॉट द ग्रेसी सबस्टांस, यानी कि ग्रेसी सबस्टांस होता है। सो आल्सो नोन एज ग्रेसियस बेसिस, दीज आर वाटर वाशेबल पॉलीथेलेन ग्लाइकोल्स, यानी कि इसके अंदर कार्बोक्सिलेट्स वगैरह होते हैं। सर्टेन अदर सब्सटेंस दैट आर यूज्ड एज वाटर सोलेबल बेसिस इंक्लूड ट्रांकाकेन्स, जिलाटेन, पेक्टिन, सेलुलोज, डेरिवेटिव्स वगैरह जो है वाटर सोलेबल बेसिस वगैरह में ऐड होते हैं। इसके बाद है अदर एडिटिव्स इन एंटीमेंट्स, प्रिजर्वेटिव हो गया, बेसिस हैविंग हाई वाटर कंटेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा वाटर को कंटेन करते हैं। सपोर्ट द माइक्रोबियल ग्रोथ एज, जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ती है इनकी कंपेयर टू हैविंग टू वाटर। सो प्रिजर्वेटिव सच एज मिथाइल पैराबेन और पोली पैराबेन हो गया, बेंजोनिक एसिड हो गया, इनकॉर्पोरेटेड इफ दे आर इंटेंडेड टू बी स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अच्छे से स्टोर होता है। एंटी ऑक्सीडेंट है, चिलेटिंग एजेंट्स है, प्रिपरेशन ऑफ एंटीमेंट है, ट्राइटोरेशन मेथड है, फ्यूजन मेथड है, पैकिंग है, इसकी पैकिंग शुड बी पैक्ड इन वेल क्लोज कंटेनर, दीज आर पैक्ड इन एंटीमेंट जार्स एंड कोला पीस वेल ट्यूब्स है, शुड बी सो पैक्ड दैट दे आर एयर स्पेसेस इन कंटेनर स्टोरेज है, स्टोर एट कूल प्लेस टू अवॉइड सॉफ्टनिंग एंड लिक्विफिकेशन टू द बेस। दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एयर लाइट एंड मॉइस्चर, यानी कि ये
स्किन को प्रोटेक्ट करती है एयर से, हवा से, रोशनी से, और इसको मॉइस्चर बनाती है। इसके बाद लेबलिंग है, ए फूड शुड बी लेबल्ड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी कि इसके ऊपर लेबल किया होता है कि ये बैरूनी इस्तेमाल के लिए ही यूज की जाती है। लास्ट में ऑप्थाल्मिक एंटीमेंट्स, ऑप्थाल्मिक एंटीमेंट आर स्टेराइल डिस्पर्जन ऑफ मेडिसिन इन अ बेस मेंट फॉर एप्लीकेशन इन टू द आई, यानी कि ये जो ऐसी एंटीमेंट्स हैं जो आई के अंदर जो है ना डाली जाती है, दे शुड बी स्टेराइल एंड फ्री फ्रॉम मेंट ऑफ एप्लीकेशन इरिटेशन, यानी कि ये इसमें इरिटेशन करती हैं। द बेस इज सिलेक्टेड फॉर एंड आई मस्ट बी नॉन इरिटेटेड एंड परमिट द रिफ्यूजन ऑफ ड्रग throughout the secretion of the eye and must melt close to the body temperature, यानी कि इसका body temperature जो है ना वो strong होता है। The preparation must be carried out aseptic condition, यानी कि इसको हर condition में ही यानी कि महसूस किया गया है। अगला टॉपिक है क्रीम्स, क्रीम्स आर नॉन ग्रेसी विस्कस लिक्विड ऑफ सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, यानी कि नॉन ग्रेसी होता है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, इमल्शन होता है, इंटेंडेड फॉर द एप्लीकेशन ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन किसी भी मतलब जल्द के ऊपर अप्लाई किया जाता है। क्रीम्स में भी मेडिकेटेड क्रीम्स होती है, नॉन मेडिकेटेड क्रीम्स जो मेडिकेटेड है स्पेसिफिक एक्शन, नॉन मेडिकेटेड जो होती है ना सॉफ्ट स्किन सॉफ्ट स्किन के लिए यूज की जाती है। क्रीम्स कंटेन अ वाटर सोल्युबल बेस ड्यू टू विच दे कैन बी इजिली रिमूव फॉर स्किन, यानी कि इसको स्किन से बहुत आसानी से रिमूव भी किया जाता है। टाइप्स है वाटर इन ऑयल हो गया, ऑयल इन वाटर हो गया, यानी कि ओली क्रीम हो गई और एक्वस क्रीम हो गई। रिजर्वेशन डार्कवस क्रीम जो है वाटर डेंसिटी टू बैक्टीरियल एंड मोल्ड ग्रोथ, यानी कि इसमें बैक्टीरिया की और मोल्ड की ग्रोथ होती है। देयर आर प्रिजर्वेटिव मस्ट बी एडेड जो कि इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। कंटेनर एंड स्टोरेज, इसको स्टोर कर सकते हैं। क्रीम शुड बी सप्लाइड इन वेल क्लोज कंटेनर विच शुड प्रिवेंट एवेपोरेशन एंड कंटामिनेशन, दे शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल प्लेस, इसको कूल प्लेस पे स्टोर किया। दे द कोलेप्सिबल ट्यूब्स मेड ऑफ मेटल्स आर प्लास्टिक आर मोस्ट सुटेबल फॉर पैकिंग द क्रीम, इसकी जो पैकिंग होती है ना वो प्लास्टिक वगैरह के ट्यूब्स में पैक की जाती है, उसको सुटेबल बनाया जाता है। एल्यूमिनियम ट्यूब्स आर नॉट सुटेबल फॉर पैकिंग क्रीम, एल्यूमिनियम की ट्यूब होती है ना वो पैकिंग के लिए जो है ना सही नहीं होती। इसके बाद अगला टॉपिक है पेस्टिस, पेस्टिस आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, ये भी सेमी सॉलिड होता है, यूज फॉर एप्लीकेशन ऑफ स्किन, ये भी स्किन पे यूज किया जाता है। दे आर डिस्पर्शन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इंसोलेबल पाउडर, इसमें हाई इंसोलेबल जो है ना पाउडर है ना काफी ऐड किया जाता है सबस्टान इन अ फैटी और एक्वस बेस, एक्वस बेस और फैटी बेस पर। देज आर लेस ग्रीसी एंड शिफ्टर देन इंटीमेंट, से कम ग्रीसी होता है ड्यू टू हाई सॉलिड कंसेंट्रेशन, इसकी हाई सॉलिड जो है ना कंसेंट्रेशन होती है। दे आर मोर एब्जॉर्प्टिव देन इंटीमेंट, ये इंटीमेंट से ज़्यादा जो है ना जज्ब होता है स्किन के ऊपर जिसके ऊपर भी लगाए। As they are shipped, so don't melt at ordinary temperature. इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही सुटेबल होता है एंड फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव कवरिंग द एरियाज विच आर अप्लाई, जैसे ही हम किसी भी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है। दे आर डिफिकल्ट टू रिमूव, सो सुटेबल टू एप्लीकेशन टू हेयरी एरिया, यानी कि जहाँ पर बाल होते हैं हेयरी एरिया जो होता है ना उस पर रिमूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है पेस्टिस को। जिंक एंड सिसलिक एसिड पेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज लेजर पेस्ट, यानी कि जो सिसलिक और जिंक का पेस्ट है उसको हम लेजर पेस्ट कहते हैं। इज द मोस्ट कॉमनली यूज पेस्ट, यानी कि बहुत ही आम यूज किया जाता है। इट इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक पेस्ट, स्टोरेज एंड लेबलिंग, दे शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स सो एज टू प्रिवेंट एवेपोरेशन टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन द पेस्ट, पेस्ट के अंदर एवेपोरेशन वगैरह जो होता है वो डाले जाते हैं। पेस्टिस विच कंटेन वाटर मस्ट बी सुटेबली प्रिजर्व्ड बाय एडिंग एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेशन, दे मस्ट बी लेबल्ड फॉर एक्सटर्नल यूज, में इसके ऊपर लिखा होता है कि आप ये बाहर इस्तेमाल के लिए यूज कर सकते हैं बाहर की स्किन पर। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।